ये यारसा गुम्बा है, ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। यारसा गुम्बा कैटरपिलर की फफूंद यानी फंगस है। ये तब बनता है जब मिट्टी में मौजूद फंगस कैटरपिलर पर हमला करके उसे मार देता है। ये दुनिया का सबसे महंगा मेडिकल फंगस है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे कैंसर, अस्थमा और नपुंसकता का इलाज संभव है। एक किलो यारसा गुम्बा $1,00,000 यानी करीब 65 लाख रुपए तक बिकता है। ये कैटरपिलर भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के उन इलाकों में मिलता है जो कि हिमालय की गोद में है। ये 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इलाकों पर पाए जाते हैं। पिछले 5 सालों से कर्मा लामा यारसा गुम्बा का व्यापार कर रहे हैं। ये अन्नपूर्णा 2 बेस कैंप है। दूर दराज से गोरखा, धादिंग, लामगुन जिले से लोग यहाँ यारसा गुम्बा की तलाश में आते रहते हैं। मई और जून के महीने में हजारों नेपाली लोग यारसा गुम्बा की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं, जिससे यहाँ के गांव खाली हो जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर काम करना खतरे से कतई खाली नहीं। बहुत ठंडा होता है, बरसात हो के भी हम लोग यारसा गुम्बा खोजते हैं, सब भीजता है, कपटे एवलांस होता है कभी कभी, बहुत मुश्किल है, बहुत डर होता है। इधर ये बहुत जोर से आया तो इधर भी आ जाएगा, हम लोग को उड़ा के लगता है। कर्मा जैसे व्यापारी हर दूसरे दिन इन फंगस की तलाश में चढ़ाई करते हैं। एक यारसा गुम्बा इनको करीब 280 से 300 रुपए के आसपास पड़ता है। इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे कि चीन, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसकी कीमत करीब 7,000 रुपए प्रति ग्राम तक आ पहुंचती है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और बेहद बढ़ती मांग के चलते इसकी पैदावार पर असर पड़ा है। पहले तो बहुत मिलते हैं, कॉफी तो 100 भी मिलते हैं एक दिन में, पर आज कॉफी 2 मिलते हैं, 20 भी मिलते हैं, कॉफी खाली भी जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन किसानों की सालाना आय का 56% हिस्सा यारसा गुम्बा बेचने से आता है। इसका हर टुकड़ा इनके लिए खुशी, उम्मीद और बेहतर भविष्य की गारंटी लाता है। ये यारसा गुम्बा मिल के ना हमको वो अच्छे अच्छे कपड़े लेने के मिलता है, काठमांडू जाने के लिए घूमने के पैसे मिलते हैं, वो घर के पैसे नहीं मांगता है ना, ये अच्छा है। अब दिन ढल चुका है लेकिन यारसा गुम्बा की तलाश जारी रहेगी। Thank you.